हेलो भाई, वेलकम बैक टू उड़ान डिजिटल। उड़ान डिजिटल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। विनय, वर्णिक, काशवी एंड माही, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा मन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, आपको आज की जो क्लास है उसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा लगेगा आपको चीज़ें सीख के, नई चीज़ें मिलेगी, थोड़ी सी अट्रैक्टिव चीज़ें मिलेगी, तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें आएगा। टॉपिक अच्छा है, क्वेश्चंस का जो तरीका होता है पूछे जाने का, वो अच्छा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे साहब सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे अभी तक हम एक सीरीज, जितना भी हमने 5.1 और 5.2 में पढ़ा, उसमें क्या होता था ना, उसमें आपको एक सीरीज दी होती थी, मतलब एक एपी दी होती थी, आपको ए निकालना होता था, डी निकालना होता था, या कोई टर्म निकालना पड़ता था, है ना। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास तक कवर किए। अभी अपने पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सम ऑफ एन टर्म। अगर हम एन टर्म का सम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलो तो एक बार जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो एक बार कमेंट कर दें। ठीक है, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2 मिनट का वेट करें, और 2 मिनट के वेट में आप ये काम करें कि जो भी मैथ्स की बुक है आपके पास, उसमें अगली जो 5.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन देखो, उसके एग्जांपल देखो। तब तक 2 मिनट, क्या चीजें हैं उसमें, उसकी थ्योरी में फार्मूले क्या बने हैं, वो फार्मूले कैसे बने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग केवल अभी क्या करो, बुक आपके पास रखो, पेन कॉपी आप साथ में रखना, ताकि हम लोग जो पढ़े तो चीजें आपको बेहतर क्लियर हो। ठीक है, चलो। जैसा कि नाम है चैप्टर का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें एक नया टॉपिक अपना है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है आर्यन, मन एक बात समझो अच्छे से, पहले चीजों को समझ लो, क्वेश्चन इजी लगेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कुछ नंबर है, ठीक है, 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 13 और 15, ये 5 नंबर है मेरे पास। ये कोई सीरीज है पर 5 ही नंबर, उसमें नंबर ऑफ डेटा जो है वो 5 है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे इनको सम करना है, मुझे क्या करना है, ये जो एपी है इसका मुझे क्या करना है, सम करना है। तो अगर मैं इसको सम करूंगा तो मेरे पास सम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सब नंबरों को ऐसे जोड़ो, 7 प्लस 9, 9 प्लस 11, 11 प्लस 13 प्लस 15, ऐसे जोड़ के आप ले आओगे। पर यह कहानी कब उलझ जाएगी, जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो। जैसे ये चले जा रहा हो, एक करीब मान के चलो 100 डेटा आपके पास है, जितने डेटा है, नंबर ऑफ डेटा एन की वैल्यू 100 है, तो आप ऐसे 100 नंबर होंगे अगर बढ़ते बढ़ते जाएंगे, और 100 नंबरों को आपको जोड़ना पड़े, तो वो बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा। आप इस तरीके से नहीं जोड़ पाओगे कि हम इनको ऐड करते चलें, 15 में फिर 17 ऐड करें, 17 में 19, 21, 23, 59, 61, तो ये जब हम ऐड करेंगे ना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वहां पर हम दूसरा तरीका लगाते हैं, है ना। एक तरीका तो ये है इसको जोड़ने का, कि आप इसको जोड़ो 7 प्लस 9, 9 प्लस 11, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 55। एक तरीका ये हमारा हुआ कि सर अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो 55 आएगा। ठीक है, पर एक और तरीका इसको जोड़ने का है, किसी सीरीज को हमें जोड़ना हो तो उसका एक और तरीका है, कि जो तुम्हें 9, 11, 13, 15 दिख रहा है ना, उसको अगर तुम मन की आंखों से देखो, खुली आंखों से, तो तुमको दिखेगा ये लिखा, इनको जोड़ा। पर अगर मन की आंखों से देखो तो मन की आंखों से क्या होगा, ये सब तुमको ऐसे दिखना चाहिए मन की आंखों से, 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, मतलब मेरे लिए ये वाली बात और ये वाली बात एक ही बात है। तो जो तुम्हें दिख रहा है 7, 9, 11, 13, 15, उसको मैं मन की आंखों से देखूंगा तो मुझे वो दिखेगा 11, 11, 11, 11, और 11, 11 कितनी बार भी हो, उसको जोड़ना आसान है। 11 है कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। अगर ये 5 टाइम्स है तो आंसर कितना आ जाएगा, 55। सोचो अगर ये 11, 11 आपके 100 बार भी होता, 100 बार लिखा होता, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है माही, तो सम का फार्मूला क्या बना, ये क्या है सर, जो तुम्हें 7, 9, 11, 13 दिख रहा है वो मुझे मन की आंखों से 11, 11 दिख रहा है। तो ये जो मन की आंखों से नंबर दिखता है, ये कैसे दिखता है, जो मन की आंखों से हमें दिखता है वो कैसे विजिबल होगा, कैसे दिखेगा, ये समझो। तुम्हें जो 1 ये दिख रहा है, मुझे वहां सब क्या दिख रहा है, मुझे ये भी 11 दिख रहा है, ये भी 11, ये भी 11, तो कैसे। तो अगर इस हिसाब से फार्मूले को देखें तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, 11 इंटू 5, 11 क्या है, बीच का नंबर है,
और बीच का नंबर क्या था, मन की आंखों से देखा गया नंबर। तो मैंने इसको 11 क्यों माना, आप सोचो ये 11 है, इससे दो केरी लेके इसको दे दो, दो इसके पास से ले लो 13 के पास से, बचेगा कितना 11, और दे किसको दो 9 को, ये भी 11। ऐसे यहां से 4 कॉमन ले लो, 4 ले लो और यहां दे दो, यहां से 4 कम करेंगे, 15 में से 4 केरी ले लेंगे या उधार ले लेंगे और वो 4 हम इसको दे देंगे। कुल मिला के डेटा है वही, गया कहीं नहीं, बस मैंने उनको बैलेंस कर दिया, बराबर बराबर सबको बांट दिया, तो ये मेरे पास 55 आ गया। तो अगर इस फार्मूले को मैं समझना चाहूं तो सम इक्वल टू क्या हो गया, सम इक्वल टू मन की आंखों से देखा गया नंबर m, मन की आंखों से देखा गया नंबर m, और ये 5 क्या है सर, ये डेटा है, कितने डेटा है ये 5, तो नंबर ऑफ डेटा। तो ये एक फार्मूला है आपका सम निकालने का, इसको समझते हैं हम लोग पहले ना। सम निकालने का एक फार्मूला बना, क्या, मन की आंखों से देखा गया नंबर इंटू नंबर ऑफ डेटा। सोचो अगर मैं आपको एक सीरीज दे दूं 2, 4, 6 और ये जा रही है और ये गई कहां तक, ये गई 102 तक, और मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो सीरीज है इसके सम करो, इसके नंबरों को जोड़ो, इसके नंबरों को क्या करना है हमें जोड़ना है। तो क्या पॉसिबल है कि आप 2 में 4 ऐड करें, फिर 6 ऐड करें, फिर 8 करें, ये पॉसिबल नहीं, ये बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब हमें 98 ऐड करना पड़ेगा, फिर 100 को ऐड करना पड़ेगा, फिर आखिरी में 102 और तब जाके बहुत बड़ा आंसर आएगा, और अगर हम ऐसे जोड़ते जाएंगे तो सही होगा नहीं, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, तरीका लगाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल है, शांति से चीजों को देखो, पहला टॉपिक है, अगर ये समझ में आ गया तो टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 और 5, इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले मन की आंखों से देखा गया नंबर, और मन की आंखों से देखा गया नंबर मिडिल में होता है, तो हम कहेंगे ये सब 3-3 लिखा है, हम ऐसा मान के चलेंगे कि सब 3-3 लिखा है, और 3-3 कितनी बार है, 5 बार, तो आंसर कितना आएगा 15। तो ये क्या था, ये था हमारा M, मन की आंखों से देखा गया नंबर, और मन की आंखों से देखा गया नंबर हमेशा सीरीज में बीच में होता है। देखिए दो नंबर इधर छोड़ दिए, दो इधर छोड़ दिए, तो बीच का जो नंबर होगा वही हमारा M होगा, और ये टोटल डेटा कितने हैं N, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया आपका, फिर से M into N is equal to कितना हो गया 15, ठीक है, equal to कितना आ गया 15। अब अगर कोई सीरीज में तुम्हें बीच का नंबर दिख रहा है तो क्या करोगे, तुम ऐसे निकाल लोगे कि मिडिल नंबर क्या है, मन की आंखों से देखा गया नंबर मिडिल में होता है, तो मिडिल नंबर ही हमारा मन की आंखों से देखा गया नंबर है, और ये कितने डेटा है, 5 आंसर आएगा। ऐसे यहां भी मैंने किया, अब सोचो कि तुम्हें यहां मिडिल नंबर दिख रहा है क्या, 2, 4, 6, तो बीचों बीच क्या आएगा इस सीरीज में, बीच में क्या आएगा, यहां तो मुझे दिख रहा था तो मैंने लिख लिया, यहां मुझे बीच का नंबर दिख रहा था तो मैंने m की जगह लिख दिया मिडिल नंबर, m मतलब मिडिल नंबर, पर हां वर्णिक यही कि भाई 102 तक की गिनती जा रही है, तो इसमें बीच में कौन सा नंबर आएगा, इस सीरीज के बीचों बीच वाला नंबर कौन सा होगा। तो अगर आपको बीच का नंबर नहीं मिले तो इसके बीच में आपको पहुंचना हो, अगर बीच का नंबर तुम्हें मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो क्या करोगे, जैसे मान लो ये 3 मुझे नहीं पता, मुझे पहला लेटर पता है ए और मुझे आखिरी पता है an, तो हम लोग बीच का लाना चाहते हैं, अगर बीच का नंबर अगर हमें दिख जाए तो ठीक, पर अगर नहीं दिखे तो हमें उसको पता करना पड़ेगा कि कहां पर बीच का नंबर है और क्या है वो। तो बीच का नंबर अगर मुझे नहीं पता है तो मैं यहां क्या करूंगा, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को ऐड कर लो, सीरीज में जो पहला टर्म है उसको और जो लास्ट टर्म है उसको ऐड कर लो, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, इससे हमको मिलेगा मिडिल टर्म, क्या मिलेगा, मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको सम करना चाहूं, इसको 2, 6 वाले मैटर को, तो कैसे ऐड करेंगे, 2, 6, 2, 4, 6, 8 और ये जा रहा है 102 तक। तो अगर मुझे सम निकालना हो तो सम इक्वल टू क्या होगा, सम इक्वल टू होगा मिडिल नंबर इनटू नंबर ऑफ डेटा। इस सीरीज में मिडिल नंबर कहां है, बोले दिख ही नहीं रहा है, जब मिडिल नंबर तुम्हें नहीं दिखे तो तुमने इस मिडिल नंबर को निकालने का तरीका क्या निकाला, पहले वाले को जोड़ो और किसको जोड़ लो, आखिरी वाले को, ए प्लस ए एन और उसका क्या कर दो, हाफ। तो ये जो है ना, ये मिडिल नंबर ही हुआ आपका, इसी को हम कहेंगे मिडिल नंबर, या तो ऐसे या तो ऐसे, और इनटू में नंबर ऑफ डेटा, इनटू में नंबर ऑफ डेटा। तो इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस फार्मूले को मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं फिर, कि s इक्वल टू ये n बाय 2 आगे लिख लिया मैंने, और a प्लस ए एन को बाद में लिख दिया। ये आपकी बुक में एक फार्मूला है, तो मैंने आपको ये समझाया कि फार्मूला बना कैसे, मैंने आपको ये समझाया कि फार्मूला बना कैसे, n नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हमें ऐड करना हो, n नंबर ऑफ टर्म्स को, बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको हमें ऐड करना हो, तो अगर हमें ऐड करना है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर करके देखते,
सर सम निकालना है तो मिडिल नंबर हमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो मिडिल जब नहीं दिखे तो आप उसकी जगह पे लिखोगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 इनटू n, ये फार्मूला हो गया। तो बताओ जरा फर्स्ट नंबर क्या है? 2, लास्ट 102 अपॉन में 2, और ये डेटा कितने हैं बेटा? 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 का पहाड़ा। तो नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? सर गिनती पूरी होती 1 से लेके 102 तक, तो 102 नंबर होते, पर यहां आधे गायब है, आधे गायब है। मतलब ये जो डेटा है ना वो 51 ही है, 51 डेटा है ये। ये कितने डेटा है? 51, क्योंकि बीच में से कुछ गायब भी है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 104 अपॉन में 2 इंटू 51। इसको डिवाइड करोगे तो 52 इंटू 51, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आंसर, ठीक है। चलो एक और चीज समझो, मतलब बेसिकली हमने सीखा कि बेटा सम निकालना हो और अगर तुम्हारे पास मिडिल टर्म है, उस सीरीज में तुम्हें बीच वाला नंबर दिख रहा है, तो सीधा सीधा बीच वाला नंबर लिखोगे इनटू उस सीरीज में कितने नंबर हैं वो लिखोगे। तो कितने नंबर हैं हमें पता नहीं, ये एन। तो ये एक फार्मूला बना सम का, पर ये फार्मूला आपकी जो बुक है उसमें कहीं भी नहीं होगा। ये मैंने ऐसे बना दिया, जनरेट कर दिया, ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे पास एक सवाल आया, उसमें मुझे सीरीज तो दी है पर बीच का नंबर मुझे मालूम ही नहीं है, बीच में कौन सा नंबर आ रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। तो अगर ये नहीं मालूम है तो फिर इसकी जगह हम क्या करेंगे? इसकी जगह लिखेंगे a प्लस n, a n अपॉन में 2। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करने पर कोई भी सीरीज हो, तुम्हें बीच में आना हो, तो पहले वाले को और आखिरी वाले को उठा के जोड़ लो और हाफ कर दो, आधा कर दो, तो बीच वाला आ जाएगा। इनटू में एन है। स्कूल वाले क्या करते हैं या बुक्स में क्या होता है, इस फार्मूले को ऐसा लिखते हैं, n बाई 2 को अलग लिख देते हैं और इसको a प्लस ए एन लिख देते हैं। तो ये फार्मूले आपको नोट करना होता है। एक तो ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर जो a है ना वो फर्स्ट टर्म है, कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। और यहां पर जो a n है ना वो लास्ट टर्म है, क्या है? लास्ट टर्म, आखिरी वाला पद है वो, nवा नंबर का, nवे नंबर का पद है बेटा वो, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बना। फिर किसी बच्चे ने बोला सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि ए एन जो होता है ना, ए एन वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन का फार्मूला होता है ये वाला, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया। अब इधर क्या लिखा हुआ है? ए और लिखा हुआ है एक, और इसके बाहर क्या लिखा है पूरे के? एन बाई टू। देखो कुछ नहीं किया मैंने यहां पर, मैंने केवल और केवल इस ए एन की जगह पे ये लिख दिया है ए एन का फार्मूला, जो कि हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। और अगर मैं इसको अपडेट करूं तो यहां से एक और सम का फार्मूला निकल के आएगा। देखो क्या आ रहा है, एक और सम का फार्मूला आएगा n बाई टू ब्रैकेट a प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये फार्मूला भी है सम का, और ये आपकी बुक में मिल जाएगा आपको, ये फार्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। तो बेसिकली ये दो फार्मूले आपको याद करना होगा। मैंने फार्मूले बना के बताया कि बने कैसे हैं, डायरेक्ट नहीं लिखवाया। बेसिकली आपको ये दो फार्मूले पता करना है, दो फार्मूले याद रखना है, तभी हम सारे क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है भैया, चलो। अब देखो अगर हम कुछ सवालों की बात करें, जैसे मान लो मैंने यहां पर कुछ नंबर लिखे, या मैंने एक कैलेंडर ले लिया, ध्यान समझना, ये रहा मेरे पास एक कैलेंडर, दिख रहा है तुमको? दिख रहा है एक कैलेंडर? सोचो यार बेटा, अगर मैं कैलेंडर में से ये नंबर उठा लूं, ये, और मान लो मुझे इनको जोड़ना है, मुझे क्या करना है? इनको जोड़ना है। ये नंबर मैंने उठाया कैलेंडर में से, कैलेंडर की जो आपका आता है ना उसमें से मैंने नंबर उठा लिए, मुझे इनको जोड़ना है, इन सबको सम करना है। तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं हम, आप ऐसे जोड़े नहीं, आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो कि सर हमने सीखा है सम क्या होता है, मिडिल टर्म इंटू नंबर ऑफ डेटा। तो देखो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, 20, तो आप यहाँ लिख दो 20 इंटू ये कितने हैं, ये सब कितने हैं? 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 180। इन सारे नंबरों को जोड़ने पर, इन सारे नंबरों को जोड़ने पर 180 आएगा। पर देखो मैंने नंबर जोड़े नहीं है, मैंने सिर्फ क्या सिखाया कि भाई फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है मिडिल टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दो एन टर्म से, ठीक है, वेरी गुड।
तो ये स्पष्ट आ गया, जितनी देर में तुम नंबरों को देख नहीं पाते हो उससे पहले आंसर आ जाता है। तो यहां भी मिडिल टर्म। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, मुझे सब यहां पर क्या दिख रहा है, मुझे सब जगहों पर 30 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, ये तो 20 है ही, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो 20 20 को अगर मुझे 9 बार जोड़ना हो तो 20 को 9 टाइम ऐड करने के बजाय उसको मल्टीप्लाई कर लो। और ये 20 क्या है, जो तुम्हें 12 13 14 19 20 21 26 27 दिख रहा है ना, वो मुझे मन की आंखों से 20 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखो जरा, ये क्यों 20 में समझ रहा हूं, आप इस डेटा को जोड़ो या एक काम करो, इसके पास से 8 कैरी ले लो, इसके पास से 8 ले लो, अगर 8 लोगे तो यहां हो जाएगा 20 और 8 इसको दे दो तो यहां भी हो जाएगा 20, 8 उसको दे दिया। अब यहां से 7 ले लो तो यहां कितना बच जाएगा 20 और 7 इसको दे दो तो ये भी कितना हो जाएगा 20। यहां से आप लोग 6 कैरी लेके इसको दे दो तो ये 20 हो जाएगा और ये भी 20, इसमें से एक इसको दे दो। कहने का मतलब डेटा है वहीं का वहीं, गया कहीं नहीं है, आप किसी को भी जोड़ो आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, चलो तो ऐसे हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं किसी भी नंबर को। जैसे मान लो मैंने एक सीरीज लिखी, बुक के क्वेश्चन ले लेते हैं आपके कुछ, ताकि आपको चीजें बेहतर क्लियर होगी और आपका कंटेंट भी कवर होता जाएगा। ठीक है, वो जो तो फॉर्मूले मैंने लिखवा है ना बेटा, उनको आप अच्छे से लर्न कर लें, याद रहना चाहिए आपको। देखो अभी के अभी ये सारे सवालों की प्रैक्टिस करोगे 5.3 के। देखो मैं एक सवाल आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं वो बताता हूँ सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन में नंबर हमारे पास है -37, -32, -29 और ये जा रहा है कहां तक, 12 आखिरी में नहीं है, 12 टर्म्स हैं ये, 12 टर्म्स, 12 टर्म है टोटल इसमें, जैसे ये 1 2 3 ऐसी 12 नंबर है इसमें, टोटल 12 है, टोटल कितने हैं 12, ये 12 टर्म नहीं है, 12th टर्म की, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 12th है। ठीक है, मुझे सम निकालने का बोला, मुझे बोला कि सम निकालो भाई, इसको जोड़ो सबको यहां से वहां तक, तो सम इक्वल टू क्या होता है, मिडिल नंबर। क्या तुम्हें इसमें मिडिल नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तीन ही नंबर दिख रहे हैं, आगे है ही नहीं, और टोटल 12 है, तो 12 के बीच वाला क्या होगा हमें पता नहीं है। तो जब हमें मिडिल नंबर नहीं पता है ना बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए प्लस ए एन, या ये फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस ए एन, मैंने अभी बताया था आपको। तो मुझे क्या क्या पता है इसमें देखो जरा, मुझे n का वैल्यू पता है, 12 टर्म है, ये लिखा है 12, टोटल टर्म कितनी है 12 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास माइनस के 37, प्लस लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 12th टर्म। तो भैया लास्ट वाली टर्म हमारे पास है ही नहीं कि 12वें नंबर पे आएगा क्या, तो आपको पहले ए 12 निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा ए 12। ठीक है, या तो इस an का फार्मूला लगाओ, an का फार्मूला क्या होता है आपके पास, देखो मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे, ध्यान से देखो ये वाले दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, पहले इसको नोट करो अच्छे से और ये सोचो कि दोनों फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला लगाने पर मेरा आंसर आ जाएगा, दोनों में से परम पता नहीं है तो उसको पता कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या हम 12th वाली टर्म पता कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ए 12 पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, a प्लस 11d, a का वैल्यू है -37 प्लस 11 और d कितना है भाई, इसमें से इसको माइनस करो तो d जो आपका आएगा वो आएगा प्लस 4, d कितना आ रहा है प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई करो तो -37 प्लस 44, तो आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा d का 3 और 4 7 7, प्लस का 7 आया, d क्या आया प्लस 7 आया, सॉरी A12 प्लस 7 आ गया, A12 में क्या आ जाएगा प्लस 7, AN का वैल्यू 7 आ गया, तो यहां लिख दो बस, इसको सॉल्व कर लो तो आपको सम मिल जाएगा उस सीरीज का, क्या मिल जाएगा सम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे करना है तीनों, तो एक बार सभी बच्चे फार्मूलों का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो फार्मूला कोई सा भी लगा सकते हो आप,
अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, अगर कि मैं सर ए एन अलग से नहीं निकालूंगा, मैं तो ऐसे लगा लूंगा, एस इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये भी मैंने लिखवाया था। इसमें वैल्यू रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, एन का वैल्यू 12 है ना, डी का वैल्यू 7 है, तो एस यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे सम, इनका सम कर लोगे, हर्ष परम। ठीक है, तो ये चारों सवाल के जो सम है वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है भाई विनय, सेकेंड क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। सेकेंड में भी मैं सारे नहीं करूंगा, कुछ ही क्वेश्चन में आपको बताऊंगा थोड़े से। तो यहां पर मान लो मैंने ये फर्स्ट या सेकेंड वाला देखा, देखो इसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड कह रहा, गिवन हमें पता है ए कितना है साहब 7, हमें पता है ए 13 35, और हमें फाइंड करना है एक तो डी पता करना है और एक एस 13 करना पड़ता है। एस 13 का क्या मतलब होता है, एस 13 का क्या मतलब, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस 13 का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ 13 टर्म्स, 13 पद होंगे टोटल इसमें, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है 13। तो मुझे डी निकालना हो तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं ए प्लस 12d इज इक्वल टू 35 लिखूं, और ए का वैल्यू कितना है 7, तो यहां लिख दे 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, ये 7 इधर जाएगा तो 12d इक्वल टू 7 माइनस होगा तो 28 आएगा, कितना आएगा 28। ठीक है, और d बराबर कितना आ जाएगा 28 अपॉन में 12, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 4 3 जा 7 बाई 3 आया, d का वैल्यू कितना आ गया आपका, d का वैल्यू आ गया 7 बाय 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो सम निकालना है, d हमारा निकल गया, एक तो हमें d निकालना था और एक सम। अगर सम निकालना है तो सम का फार्मूला क्या होगा, सम का फार्मूला आप लगाओगे n बाई टू, ठीक है n बाई टू ए प्लस ए एन, तो n हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13 अपॉन में 2, पहला टर्म क्या है हमारे पास 7 और a 13 क्या है हमारे पास 35, बस इसको कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 42, डिवाइड करोगे तो ये 21, ठीक है 273, सारी टर्म्स को सम करने पर 273 आया। चलो जरा कमेंट बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, अभी तक जो मैं बताया आज की क्लास में इसमें कोई डाउट है नहीं तो हम एक बार रिवाइज करते चीजों को, क्या किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट आपके देख रहा हूँ। सम के दो फार्मूले हमने सिखाए आपको, केवल दो ही फार्मूले आपके पूरे चैप्टर में यूज होंगे, एक होगा जो आपके सामने स्क्रीन पर अभी लिखा हुआ है और एक मैंने और लिखवाया आपको, है ना। सर s इक्वल टू एम एन भी होता है और समथिंग, हाँ ये सब फार्मूले हैं, सम के सब फार्मूले। आपको कब कौन सा फार्मूला लगाना है ना, ये डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चीजें पता है, है ना, ये डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या क्या चीजें पता है। तुम्हें अगर सम निकालना है तो मैंने तीन फार्मूले बताए, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक निकाला मैंने कि सर सम इक्वल टू होता है मन की आंखों से देखा गया नंबर इंटू नंबर ऑफ डेटा, तो अगर तुम्हें बीच का नंबर दिख रहा है मिडिल नंबर तो ये लगाओ, अगर किसी सीरीज में बीच वाला नंबर पता ही नहीं हमको तो उस केस में हम इसको m को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, मिडिल नंबर कैसे पता करते हैं, a प्लस ए एन अपॉन में 2 से, और इंटू में क्या लिखा है यहां पर n,
तो दूसरा जो फार्मूला आपके पास आता है वो ये आता है, एस इक्वल टू एन बाई टू और ब्रैकेट में लिख दो ए प्लस ए एन। तो एक तो ये फार्मूला है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये किताबों में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया मेरे हिसाब से, मैं बताता हूं। आपकी बुक में ये मिलेगा आपको, आप अगर बुक में ढूंढोगे फार्मूले तो ये मिलेगा। एक और होता है कि सर ए एन का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा। तो इस ए एन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे एन बाई टू, यहां पर ये रखूंगा तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसका वैल्यू रखा है ए एन का। तो ये भी एक फार्मूला बना सम का। तो सारे फार्मूले सम के ही हैं ये, पर डिपेंड करता है, अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, और अगर तुम्हें लास्ट टर्म नहीं पता हो तो आप ये वाला लगाओ, और तुम्हें मिडिल नंबर पता हो तो आप ये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें आपको कवर होगी। मैं यहां से वन बाय वन क्वेश्चन उठा रहा हूं और वो साइन कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीज समझ में आए। यहां पर लिखा हुआ है सम ऑफ गिवन बिलो, इसका सम पता करना है। क्या लिखा है, सेवन है, फिर अगला टर्म है टेन एन वन बाई टू साढ़े दस, फिर फोर्टीन, और ऐसे जा रहा है कहां तक, 84 तक। पहले ये देखो आपको क्या क्या पता है। तो सर मुझे ए पता है, सर मुझे डी भी पता है। साढ़े दस में से सेवन माइनस करोगे तो थ्री एंड हाफ आएगा, थ्री एंड हाफ को आप लिख सकते हो सेवन बाई टू, ये डी आ गया, सेवन बाई टू क्या आ गया डी। ठीक है, अब ए पता है, डी पता है, लास्ट टर्म भी पता हमें, ए एन भी पता, आखिरी वाला नंबर, आखिरी वाला नंबर क्या है 84। अब आप खुद ही सोचो कि मेरे पास जो फार्मूले उसमें से कौन सा लगाऊं, मेरे पास क्या क्या चीजें यहां है, यहां पर क्या चीजें हैं उसके हिसाब से लगाना है। तो देखो मेरे पास जो फार्मूले हैं, मेरे पास एक तो ए भी है और ए एन भी है, तो मेरा काम इससे हो जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि सम इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। नंबर ऑफ टर्म्स हमें आप कितनी दी है, एन हमें पता ही नहीं है भैया, एन यहां कितना है हमें पता नहीं है। तो पहले हम लोग एन भी निकालेंगे, एन कैसे निकालोगे, ए प्लस इसका फार्मूला लगाओगे ए एन का, ए एन किसके बराबर है 84 के, तो ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 84। हाँ ना, पहले एन पता करो, एन का वैल्यू के नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो ए का वैल्यू कितना रखोगे 7, एन माइनस वन हमें पता नहीं है और डी हमने निकाला 7 बाई टू, और इसके बराबर में आ रहा 84। ठीक है, तो ये 7 इधर माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू 7 बाई टू इज इक्वल टू 84 माइनस 7। एन माइनस वन 7 बाई टू, और ये 7 माइनस करने पर बचेगा आपके पास 77। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो n माइनस वन क्या हो जाएगा 77 इंटू टू अपॉन में 7। ये 2 ऊपर गया, 7 नीचे गया, 7 से कितनी बार कटेगा ये 11 बार, 11 टू जा कितना हो गया 22। तो n माइनस टू, n माइनस वन इक्वल टू 22 अपॉन, बस 22 ही बचा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 23, n आ गया। और n तो हमने पिछली क्लास में भी, पिछली जो टॉपिक था उसमें भी कवर किया था n कैसे निकालते, पर हमें निकालना है सम। तो सम में हमें क्या लगाना पड़ेगा, n बाई टू ए प्लस ए एन, सारी वैल्यूज रखो, n का वैल्यू कितना है 23 अपॉन टू, ए का वैल्यू कितना है 7, और ए एन हमने निकाला था कितना 84, लास्ट टर्म 84 है। तो ये हो गया 23 अपॉन में 2, इसको एड करोगे तो कितना आएगा 91, बस इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। 23 को 91 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ये सिंप्लीफाई आप करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 23 अपॉन 91 अपॉन में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सम निकालने का। चलो एक और सवाल देखते हैं, है ना, एक और देखते हैं इसी में, एक और देखो ये दूसरा सवाल, इसका भी हमें सम निकालना है। सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, नंबर कम होते जा रहा है, और अगर नंबर कम होते जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि डी जो हमारा है माइनस का है,
ठीक है, डी हमारा क्या है, माइनस का है। सबसे पहले लिखा मैंने ए, फिर लिखा मैंने डी, 32 में से 34 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, फिर मैंने लिखा ए एन आखिरी वाला टर्म, कितना है भाई 10। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 10। ए का वैल्यू यहां पर लिखेंगे 34, एन माइनस 1 और डी मेरे पास है बेटा कितना माइनस के 2 इज इक्वल टू कितना 10। ये 34 उधर ट्रांसफर होगा, एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, 10 माइनस 34, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 24। अब ये माइनस 2 डिवाइड में जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन में माइनस 2, उड़ा दिया इसको तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 12, और ये एक इधर आएगा तो n इक्वल टू 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13, n आ गया बेटा, d माइनस 2 आ गया वर्णिक, ठीक है सही है वर्णिक है ना। अब हमें निकालना है सम, ठीक है, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास जो दो फार्मूले उनमें से एक लगाना है, तो क्या तुम्हें ए एन पता है, आखिरी का नंबर पता है, हाँ, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए एन वाला, ए प्लस ए एन वाला, एन का वैल्यू कितना है 13 डिवाइड में कितना 2, ए का वैल्यू कितना है बेटा 34 और ए एन का वैल्यू है कितना प्लस में 10, तो ये हो गया 13 अपॉन में 2 इंटू 44, 2 से इसको उड़ा दोगे तो 22 आएगा, तो 130, 130, 260 और 26, 286, ये सम आ गया। मतलब इन सारे नंबरों को हम जोड़ें अगर 34, 32, 30, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 286, 286 मिलेगा, ठीक है 286। ठीक है माही, आगे नेक्स्ट। अब जरा रफ कॉपी उठाओ और सारे बच्चे इसको सॉल्व करके देखो एक बार, ये मैं आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी इसको सॉल्व करके देखेंगे। बताओ इसका सम करने पर क्या आएगा, बताओ भाई, पेन कॉपी उठाओ और सॉल्यूशन शुरू करो। आंसर बताएंगे, किसी बच्चे का आंसर आया क्या इसका जो स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा है, दो सौ उन्नीस आ रहा है यार बेटा, 219 कैसे आएगा, क्योंकि सारे नंबर माइनस में है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा ना, माइनस वाले सभी नंबरों को आप अगर ऐड करोगे तो आंसर प्लस कैसे हो सकता है, आंसर तो माइनस ही आएगा। विनय
मन ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं एक बार, देखो इधर सभी। सर ए बराबर कितना है? ए जो हमारा है वो है -5। लास्ट नंबर हमारे पास ए एन कितना है? -230। और डी कैसे निकालोगे? डी कैसे निकालोगे? इसमें से इसको माइनस करो, -8 में से माइनस करना है -5 को, तो -8 + 5 तो आंसर आएगा -3। जो हमारा डी है ना वो नेगेटिव है, माइनस है, छोटा नंबर होते जा रहा है। तो डी जो हमारा मन आ गया 13 आ गया। अब इनको जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा देखो जरा। तो यहाँ सम का फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे, सम इक्वल टू एन, पता करें पहले एन नहीं हमारे पास, तो हमें ए एन दिया हुआ है, क्या दिया है 230 माइनस का वो भी। ठीक है, तो ए एन क्या होता है? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू -230। ठीक है, अब ए का वैल्यू कितना है? -5। एन हमें मालूम नहीं है, डी हमारे पास -3 है, और ये हो रहा है आपका माइनस के 230। ये -5 इधर प्लस हो जाएगा, एन -1, डी है -3, और -230 में से 5 प्लस हो जाएगा एन -1, और ये जो 3 था माइनस का ये डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका बचा 225। दिस से दिस को उड़ाया, 3 से इसको उड़ाया 75, एन -1 75, तो एन कितना हो गया? ये 1 प्लस हो जाएगा तो 76, एन आ गया 76। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सम। सम इक्वल टू होता है n/2 a + an, तो एन कितना हमारे पास? 76/2। ए हमारे पास है सबसे फर्स्ट टर्म -5 और सबसे लास्ट है 230 माइनस का, तो प्लस -230 होना था, पर मैंने प्लस माइनस माइनस लगा दिया डायरेक्टली। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यू रखी तो यह आया 38 डिवाइड करने पर, और ये हो गया आपका इनटू -235। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 219। कैसे आ रहा है परम? 8930 माही, 8930 माइनस में। ठीक है, चेक करो जरा, इसका मल्टीप्लाई करो, सभी कॉपी करना तो कॉपी करो और चेक करो कि क्या समझ में आया। एक बार सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे जिनका जिनका आया। ठीक है, वर्णिक मन संस्कृति पवार। ठीक है बेटा, चलो उम्मीद है सबका आंसर आया होगा -8930। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो सारे सवाल है ना, इन सारे सवालों की प्रैक्टिस तुमको करना भाई। एक बार क्या करो, मैंने स्क्रीन पर आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों को आप अपने तरीके से सॉल्व करो, नहीं आए तो मुझे बताओ कि कौन सा मुझे बताना, पर पहले एक बार आप सभी ट्राई करो, रफ कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, फटाफट सारे सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या क्या पता करना है तुम्हें? पहले सवाल में ए पता है, डी भी मालूम है, और एक ए एन मतलब लास्ट टर्म भी मालूम है, तो तुम्हें एन का वैल्यू पता करना है पहले, और फिर पता करना है तुम्हें एस। एन पता करने के लिए क्या करोगे? ए एन का यूज करोगे, ए एन का फार्मूला लगाओगे, एन दिया हुआ है, करो जरा। और इन चारों में से जो नहीं बने वो मुझे बताओ, मैं बोर्ड पे करूंगा, तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आप क्या लिख रहे हो, क्या आंसर आ रहे हैं।
चलो अब आई आवाज, अब आई आवाज भाई। चलो ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं बस An13 था तो मैंने फार्मूला लगा कि यहां तक आ गया, डी निकल गया। अब इस डी की वैल्यू को तुम क्या करो, एक तो डी निकल गया हमारा, ए फाइंड ए एंड ए निकालना हमें, ए दिया नहीं है, सेकेंड वाला क्वेश्चन था ना, ठीक है चलो ये वाला है, डी निकल गया। अब हमें S13 निकालना है और एन भी निकालना पड़ेगा। चलो N13 है आपका, एन कितना है बेटा, 13, देखो यहाँ पर दिया है, ए एन की जगह पे ए 13 दिया है, तो वही 13 है आपके पास। इस सवाल को देख के आप ये समझोगे कि ए ये रहा, ये 13 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है 13, एन बराबर 13 है, निकालना नहीं वो, तो एस इक्वल टू हो जाएगा N/2, ये 13/2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 7 और लास्ट क्या है 35। हाँ ठीक है, आंखों पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है इसलिए मैंने लाइट बंद कर दी भैया। 42 डिवाइड करो तो ये 21, 21 का पहाड़ा बोलोगे, 13 का पहाड़ा बोलोगे, 130, 130, 260 और 73, 273, 273 आंसर आ गया। तो देखो है क्या इस टॉपिक में, ज्यादा कुछ नहीं है, ये जितने भी सवाल आपके ये वाले हैं, पहले तो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड केवल ये खत्म कर लो, बाकी आपको यहां से मैं ही करवाऊंगा फिर, ठीक है। टोटल इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके पास 20 है, 20 क्वेश्चन है यहां भी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, कल के दिन में मतलब कल शाम तक क्लास होने के पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में ये सारे सारे करके देखना है, कोई क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बने तो कल मुझे आप बताओगे, कल बताओगे आप मुझे, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप कल मुझे बताओगे। हाँ इजी टॉपिक है, आप करो, थोड़ा सा हिमाली वाली कहानी है, ठीक है, तो प्रैक्टिस और हिमाली है थोड़ी सी, वो आपको करना पड़ेगा। वेरी गुड, ऑनलाइन क्लास कल लगेगी, ऑफलाइन की छुट्टी है, ऑनलाइन कल लगेगी भैया, है ना।